हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो बनाने का मकसद है मेरी। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि जो अरविंद केजरीवाल जो माननीय मुख्यमंत्री हैं इस दिल्ली सरकार के, उन्होंने सभी ड्राइवर भाइयों को लॉकडाउन के दौरान होने वाली हानि, जो आर्थिक हानि हो रही है, उससे कुछ राहत देने के लिए सबके अकाउंटों में 5-5 हज़ार रुपये देने की एक स्कीम चलाई हुई है और अभी भी वो करंट में चल रही है। 27 या 28 अप्रैल के आसपास उसकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। और वो कैसे फॉर्म सबमिट होता है और कौन सी वेबसाइट पे होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। बेशक आप जाके IQ बटन पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा और उसी के रिगार्डिंग इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको 5 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल सरकार 5-5 हज़ार रुपये ड्राइवरों को दे रही है या नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक मित्र है, मेरा दोस्त है, जो ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़ा हुआ है। उसका मैंने जो वेबसाइट आपको बताई थी जिस पे आपको फॉर्म सबमिट करना था, उसी वेबसाइट पे मैंने अपने फ़ोन के ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन उनकी डाली और उनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंकअप था, मीन्स आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंकअप था। और उन जो जिनका मैंने फॉर्म भरा, उनके आज की डेट में 22 तारीख को उनके अकाउंट में 5 हज़ार रुपये भी क्रेडिट हो चुके हैं। मतलब 5 हज़ार रुपये अरविंद केजरीवाल जी की जो स्कीम थी उसके तहत उनके अकाउंट में 5 हज़ार रुपये आ चुकी हैं। ये कोई फेक नहीं है, मैं इस पे आप साइड में देख भी रहे होंगे, ये मैसेज उसी बैंक का मैसेज है जो इस पे आपको साइड में दिख रहा है। वो विद प्रूफ मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि वास्तव में केजरीवाल सरकार 5-5 हज़ार रुपये ड्राइवर भाइयों को दे रही है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कमर्शियल लाइसेंस होना मस्ट है, विद चिप और बैज होना जरूरी है, अनिवार्य है विद चिप, क्योंकि इसी के बेस पे वो ट्रिगर कर रहे हैं जो अमाउंट उन्हों को ड्राइवरों को देना है, इसी बेस पे वो ड्राइवरों को पैसा दे रहे हैं और पैसा वास्तव में आ रहा है। 5 हज़ार रुपये उस भाई के अकाउंट में आए हैं, उसने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया है। वो मैसेज आप देख रहे हो वीडियो में, बकायदा मैसेज बैंक से आया है, क्योंकि उसके जो पैसे गैस के आते हैं वो भी उसी अकाउंट में आते हैं, क्योंकि लिंकअप है बैंक अकाउंट से, तो डायरेक्ट उसी अकाउंट में उसके पैसे आए हैं। तो दोस्तों, रियलिटी में ये है कि अभी तक बहुत सी भ्रम थी कि सरकार पैसा दे रही है या नहीं है। आज ये 100% श्योर हो गया, ये पुख्ता है कि अगर आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, वैलिड आधार कार्ड है, वैलिड PSV बैज है, कमर्शियल लाइसेंस है, तो सरकार आपको 5 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में जरूर देगी। अब बात उन दोस्तों की आती है जिनके पास कमर्शियल लाइसेंस तो है और PSV बैज भी है, लेकिन वो चिप वाला नहीं है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको पर्टिकुलरली मेल के जरिए डॉक्यूमेंट को अटैच करके उन तक पहुंचाना होगा। उसी के रिगार्डिंग वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और पैसे को डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा जिन भाइयों के पास ये दोनों पोर्शन में से कुछ भी नहीं है, उन भाइयों को क्या करना है, अपने जो लोकल मतलब अपने जो पार्षद हैं, काउंसलर हैं, MLA हैं, उनको अप्रोच करना होगा। लास्ट एक चैनल है दी वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत ही अच्छा चैनल है, वो ड्राइवर संबंधी वीडियोस उसमें डालते हैं। एक इंद्रजीत जी हैं जो सरदार जी हैं, बड़ी सी दाढ़ी है, कल मैंने उनकी वीडियो देखी थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने समझाया है कि जिन दोस्तों को, जिन भाइयों को वो दिक्कत आ रही है, तो वो लोकली अगर जिनके पास PSV बैच चिप वाला नहीं है, कमर्शियल लाइसेंस चिप वाला नहीं है और गाड़ियाँ
चला रहे हैं और कुछ प्राइवेट नंबरों पे भी चला रहे हैं, सॉरी प्राइवेट लाइसेंस पे चला रहे हैं, जैसा कि मुकुंद देवागन ओवरसीज ओरिएंटल इंश्योरेंस का जो जजमेंट आया था उसके बेस पे चला रहे हैं, क्योंकि ओला उबर ने उस बेस पे काफ़ी गाड़ियां लगवाई और चलवा रही है। तो उनका बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है, अगर आप उनकी बात को समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। बस इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी सी फोर्स करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत कुछ नहीं है कि जस्ट आप इस पीरियड में ही पता चल पाएगा कि कौन सगा है कौन पराया है। इसमें आप अप्रोच करो अपने काउंसलर को, यानी कि जो निगम पार्षद होता है एक एरिए का या और MLA, कुछ ना कुछ तो मसला ज़रूर हल होगा और कुछ ना कुछ वो इस मसले के बारे में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और उन्होंने जो बताया, उन्होंने एक नंबर भी दिया है, उन संस्था से आप जुड़ सकते हो, वो नंबर यहाँ जैसे आपको मेंशन है उस संस्था पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप करके उस संस्था से जुड़ सकते हो और वो संस्था आपकी काफ़ी मदद कर सकती है, क्योंकि उसमें एज ए ड्राइवर संबंध ही उनका मोटिव है। द वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा चैनल है, वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन रिलेट टू ड्राइवर्स के लेके आते रहते हैं, और कोई ना कोई दिक्कत होती है उसके रिगार्डिंग वो ड्राइवर्स के साथ स्टैंड भी होते हैं, खड़े भी होते हैं। तो बहुत अच्छा उनका मैसेज है, उस मैसेज को आप पढ़िए और उनके साथ जुड़िए, तो काफ़ी अच्छा आपको हेल्प कर सकते हैं और अच्छे परसेप्शन और अच्छी एडवाइस भी वहाँ से मिलती रहती है, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। और वो जो नंबर दिया है उसी वीडियो में मैंने देखा था, ये नंबर उन्होंने शेयर किया था, तो वो नंबर मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ, आई होप कि आपके काम आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई चर्चा के साथ, नए मुद्दे के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।